रही है क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड की रुड़की तहसील में उस समय लड़का मच गया जब रुड़की नीति का खंडेलवाल की कोर्ट के सामने काफी पुराना पेड़ लगा हुआ था और अचानक उसका एक विशाल का हिस्सा अलग होकर नीचे जा गिरा। मौके पर अचानक विशाल का पेड़ गिरने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। नीचे बैठे लोगों ने भागकर जान बचाई। आनंद फानम ने किसी को कुछ समझ नहीं आया। दो लोगों को पेड़ के बीच से तहसील में मौजूद लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत यह रही कि विशाल का पेड़ की जड़ का हिस्सा वकील के चैम्बर की दीवार पर आकर रुक गया और दूसरा हिस्सा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नीतिका खंडेलवाल की कोर्ट के सीधा ऊपर जा गिरा। आज शनिवार होने के चलते छुट्टी थी जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। आम दिनों में यहाँ 50 से 70 लोग हर समय मौजूद रहते हैं और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के कोर्ट के बाहर भारी भीड़ मौजूद रहती है। मौके पर पेड़ गिरने के बाद तहसीलदार मंजीत सिंह और वन विभाग का महकमा मौके पर पहुंचे। तहसीलदार मंजीत सिंह का कहना है कि वन विभाग की टीम को 2 महीने पहले इस बारे में लिखा गया था लेकिन इसके बावजूद वन विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तराखंड के रुड़की से संवाददाता लीजैदी की रिपोर्ट। एकदम से अचानक यहाँ से एक नीम का पेड़ गिरा जो बहुत पुराना था, लगभग एक हफ्ते पहले यहाँ पे एक दरोगा 3-4 सिपाही आए थे वन विभाग से। उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर अंदर हम इस पेड़ को कटवा देंगे और आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं है। आज कितना बड़ा हादसा हो सके था फिलहाल ये इस पेड़ के नीचे तो 20-30 आदमी भी मर सकते थे। अगर छुट्टी ना होती तो बहुत बड़ा हादसा होता और इसका जिम्मेदार कौन होता ये आप तो समझ सकते हो। चैंबर के साथ साथ में एसडीएम साहब भी बैठती हैं या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पे जिसपे पेड़ गिरा, एसडीएम मौर्या यहाँ सामने बैठती हैं, उसी कोर्ट पे गिरा है जी। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।